हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इनस्टा। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बोल्ट ऑडियो Z20 वर्सेस मीवी डियोपोर्ट्स F40 के बारे में। इन दोनों डियोपोर्ट्स और बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा डियोपोर्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है या पॉट सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए कम प्राइस पे कौन सा पॉट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, कौन सा लेना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, देखने में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल सकता है। बोल्ट ऑडियो Z20 यहाँ पे आपको मैट फिनिश के साथ में देखने को मिल जाएगा, जबकि मीवी डियोपोर्ट्स F40 यहाँ पे आपको मेटल शेडेड के साथ में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही अपनी जगह काफी ज्यादा प्रीमियम देखने में लग रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों पॉट्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो बोल्ट ऑडियो Z20 में आपको 10 mm का रिच बेस ड्राइवर जो है देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ में माइक्रो बूफर का सपोर्ट जो है दिया गया और इसमें आपको बूमेक्स टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो उसी के साथ साथ इसमें आपको जेन मोड का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको ENC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट जो है मिलने वाला है। तो आप इजिली जो है भीड़ वाली जगह पे बात कर सकते हो। जबकि मीवी डियोपोर्ट्स F40 में आपको 13 mm का इलेक्ट्रो ड्राइवर यूज हुआ है और इसमें आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया, साथ ही साथ में इसमें भी आपको ENC टेक्नोलॉजी यूज हुई, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट जो है इसमें भी दिया गया। तो अगर देखा जाए ऑडियो क्वालिटी की, तो कहीं कहीं बोल्ट ऑडियो Z20 आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको माइक्रो वूफर दिया गया और जेम मोड का सपोर्ट दिया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रिच बेस का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों पॉट्स के बैटरी बैकअप को लेकर, तो बैटरी बैकअप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बोल्ट ऑडियो Z20 आपको 40 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है दे रहा है, जबकि वहीं पे 10 मिनट अगर इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पे आपको 100 मिनट का प्ले टाइम बैकअप जो है मिल जाएगा। जबकि मीवी डियोपोर्ट्स F40 भी आपको 50 प्लस आवर का प्ले टाइम बैकअप दे रहा है और अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज कर दोगे तो यहाँ पे आपको 8.5 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, बात करें कनेक्टिविटी को लेकर, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों ही बर्ड्स और पॉड्स में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट जो है मिलने वाला है। साथ ही साथ में चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करें, तो इन दोनों में आपको USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट जो है दिया गया और उसी के साथ साथ अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इन दोनों पॉट्स और डियो पॉट्स में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट जो है दिया गया, यानी आप गूगल के साथ साथ सीरी को जो है इजिली एक्सेस कर सकती हो। वहीं पे बात करें वाटर रेजिस्टेंस को लेकर, तो वाटर रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। बोल्ट ऑडियो Z20 में आपको IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है मिल रहा है, जबकि मीवी डियोपोर्ट्स F40 में IPX4 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है दिया गया। साथ में बात करें टच पैड के बारे में, तो इन दोनों में आपको टच पैड सेंसर जो है मिल जाएंगे, यानी आप गाने को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स और उसी के साथ साथ कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो और कॉल को रिसीव भी कर सकते हो। साथ ही साथ में 3 टैप पे आप गूगल के साथ साथ सीरी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो टच पैड सेंसर जो है आपको दोनों पॉट्स और डियोपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन रहा इन्हीं दोनों डियोपोर्ट्स और पॉट्स के बारे में। अब यहाँ पे प्राइस सेगमेंट को डिस्कस किया जाए, तो करंट में प्राइस में आपको 200 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर कभी कभी आप देखोगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। दोनों ही डियोपोर्ट्स और पॉट्स आपको 999 रुपए में मिल जाएंगे। बस यहाँ पे आपको एक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और एक अमेजन पे अवेलेबल है। तो बोल्ट ऑडियो Z20 आपको अमेजन पे अवेलेबल है 999 रुपए, जबकि मीवी डियोपोर्ट्स F40 फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 999 रुपए या 1199 रुपए। तो प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए कम प्राइस के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बोल्ट ऑडियो Z20 आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि भले इसमें 10 mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया, लेकिन इसमें आपको जेन मोड का सपोर्ट दिया गया और यहाँ पे रिच बेस ड्राइवर दिया गया और उसी के साथ साथ इसमें आपको माइक्रो वूफर का भी सपोर्ट जो है दिया गया। तो आप जब भी परचेस करना, 999 रुपए में आपको बोल्ट ऑडियो Z20 आपको काफी ज्यादा बेस्ट मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा पॉट सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अनबॉक्सिंग टेक के साथ में, तब तक के लिए।